ओआरओपी वन में इनको 4000 रुपये का फ़ायदा डिफरेंस दिया गया पूरे सर्विस ईयर में, और यहाँ पे एक्स ग्रुप को 2000 का फ़ायदा दिया गया, लेकिन इस बार वो फ़ायदा उल्टा कर दिया गया, एक्स ग्रुप को 4000 का फ़ायदा कर दिया गया और इसको। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपका ये आंखें खुलेगा, आपको एक जगह देगा, आपको एक एहसास महसूस करा देगा कि ओआरओपी 2 में हमें क्या मिला और ओआरओपी में हमें क्या था। आइए देखते हैं इस वीडियो में, एक रैंक की पूरी जानकारी लेंगे जो नायब सरदार रैंक है, इनको क्या मिला और कितना इन्हें फ़ायदा हुआ और कितना इन्हें एरियर मिलेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी नायब सरदार रैंक की पूरी जानकारी मिलेगी। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये जानकारी अवश्य बताएं, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां और इसी प्रकार के आंखें खोल देने वाला वाक्य आपके सामने नजर आए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं ऐसे टेबल पे जहां पे यहां आपको दिखाई दे रहा है नायब सरदार। ये फोटो कई जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसी प्रकार एक दोस्त ने मेरे पास भेजा, मेवलक ने इसके बारे में विधिवत आपको बताना जरूरी है कि आखिर में एरियर क्यों मिल रहा है और कैसे आ रहा है लोगों की एरियर, क्या मिल रहे हैं एरियर, कैसे सबको आ गया। किसी नायब सरदार साहब को 1.5 लाख रुपए एरियर आ गया, किसी को इतने का एरियर आ गया। लेकिन दोस्तों इसी में आपको ये बता दूं, कोरिजेंडम पीपी अभी बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्पर्श से माइग्रेटेड हो चुके हैं उन्हीं का लगभग कोरिजेंडम पीपी अभी तैयार हो रहा है और उन्हीं को अभी भेजा जा रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन है यानी जो 2016 से पहले के प्री के हैं, उनका कोरिजेंडम पीपी बनने से पहले ही उनकी पे हो जाएगी, उनका एरियर पे हो जाएगा, उनकी पेमेंट भी आने लगेगी नए बढ़े हुए पेमेंट के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर में ओआरओपी 2 के हिसाब से आएगी या ओआरओपी 1 के हिसाब से आएगी, चाहे कोई तीसरा ओआरओपी 3 के हिसाब से आएगी, किस प्रकार आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे ओआरओपी 2 टेबल दिखाई गई है, ये लगभग पूरी तरह सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिलान कर लिया है और आप भी मिला सकते हैं। यहाँ पे जो भी इनके अंदर जो भी यहाँ पे 24,576 से शुरू होकर, यहाँ पे भी 24,576 से शुरू होकर और यहाँ जहाँ 27 साल एज में 28,550 तक जाता है, वहीं पे 27 साल में 28,550 तक जा रहा है। एक्स ग्रुप, यहाँ पे एक्स ग्रुप है और ये वाई ग्रुप का टेबल है, वहीं पे इसमें भी ये ओआरओपी 1 का है जो एक्स ग्रुप का टेबल है और ये वाई ग्रुप का टेबल है और ये ओआरओपी 2 का है। इस प्रकार से इसमें देखा जाए दोनों 1 को इधर मल्टीप्लाई कर 2.57 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया और 1-2 को यहाँ पे एज ए तेज लिखा गया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 24-2 में 24,000 से शुरू होकर 28,000 तक जा रही है, ये ओआरओपी 2 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जो यहाँ पे 4,000 का डिफरेंस लेके जा रहा है पूरा पे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे 15 साल सर्विस 24,000 से शुरू होकर 28,000 तक 4,000 का डिफरेंस लेके जा रहा है। और वहीं पे ओआरओपी 1 में देखा जाए तो यहाँ ओआरओपी 1 में एक्स ग्रुप में 26 शुरू होकर 28 ये रिकवरी हुई है। दोनों को ध्यान दीजिएगा, एक बार और फिर बता रहा हूँ, अगले टेबल वाई वाले टेबल में ये आपको पहले ही नज़र आएगा कि 24,000 से शुरू होकर 28 ओआरओपी 2 में 4,000 का डिफरेंस लिया गया और वहीं पे ओआरओपी 1 में 26,000 से शुरू होकर 28,000 तक यानी 2,000 का सिर्फ डिफरेंस था। और वहीं पे इनके पे में डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 15 साल के सर्विस से लेके 17 साल के सर्विस तक के नायब सरदार रैंक को लॉस ही लॉस है। वहीं पे दो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है 18,000 से लेके, यहीं पे कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है 18 साल के सर्विस से लेके आपको 23 साल के सर्विस के बीच में ये नाम मात्र का प्रॉफिट आपको सामने दिखाई दे रहा है। यानी ये ग्रीन कलर से है 26,266 रुपये से लेके 971 रुपये और यहाँ पे 109 रुपये तक की प्रॉफिट हो रहा है। फिर वहीं पे 23,523 साल से लेके 27 साल तक ये सर्विस में आपको लॉस ही लॉस है। यहाँ पे ये कितने घाटा थे, इनको किस हिसाब से पेंशन रिविजन किया, इनका पीपीओ किस हिसाब से बनेगा, क्या बनेगा, जो लॉस हो रहे हैं कि उनका प्रॉफिट में देगा या जो प्रॉफिट में है उनका लॉस देगा। अब यहीं पे सवाल हो जाता है, कुछ लोगों का पीपीओ ये 1 के हिसाब से ही रहेगा और कुछ लोगों का पीपीओ यहाँ पे 2 के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा और वहीं पे कुछ लोगों का फिर पीपीओ यहाँ 1 के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे किस हिसाब से किसका बनेगा, इसलिए आप
कोरिजेंटम पीपीयू अपना अवश्य देखना, और आपका एरियर मिला या कितना मिला उसको आप चेक कर लेगा, और जिस प्रकार आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने साल सर्वे, आप खुद अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए कितने साल सर्विस आपने किया है, कितने साल क्वालिफाइंग सर्विस किया है, वहाँ से अगले कॉलम में ओआरओपी 2 में देखें अपने रैंक के हिसाब से, तो उस प्रकार से आपका यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे टेबल पर चलते हैं, जहाँ पे ये रहा दोस्तों वाई ग्रुप का टेबल। वाई ग्रुप का टेबल ये रहा, और यहाँ पे देखिए ओआरओपी 2 में, फर्स्ट में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ओआरओपी 2 में 22,000 से लेके 24,000 तक का डिफरेंस है, मान ली यानी कि 2,000 का डिफरेंस है। और यहाँ पे ओआरओपी 1 में 22,000 से लेके 26,000 तक का डिफरेंस है ओआरओपी 1 में। वहीं पे पिछले टेबल में जो एक्स ग्रुप में था, उसमें डिफरेंस जो 15 साल से था, जो ओआरओपी 2 में था, ओआरओपी 2 में जो डिफरेंस था यहाँ पे 4,000 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ओआरओपी 2 में वाई ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वहीं पे ओआरओपी 1 में आपको 22,000 से लेके 26,000 तक यानी 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, इस यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे 28 साल के सर्विस तक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24,000 से शुरू होकर, यहाँ से 24,000 से शुरू होकर और यहाँ पे 27 साल सर्विस लिया गया, तो यहाँ पे 28,000, मान ली 4,000 का डिफरेंस। और एक्स ग्रुप में यही एक्स ग्रुप में आपको दिखने मिला, और यहीं पे वाई ग्रुप में आप देख रहे हैं तो 22,000 से शुरू होकर और यहाँ पे 24,000 का डिफरेंस, मतलब कि एक वर्ग को यहीं पे एक ही ग्रुप में एक वर्ग को 2,000 रुपये का डिफरेंस दिया जा रहा है, और वहीं पे दूसरे वर्ग को यहाँ पे 4,000 रुपये का डिफरेंस मिला। और यहीं पे दोस्तों जो ओआरओपी 2 में है, यहीं पे ओआरओपी 2 में है, जो यहाँ पे 2,000 से लेके 26,000 तक का डिफरेंस आपके सामने है, 2,000 से लेके मतलब 26,000 तक का डिफरेंस आपके सामने है, मतलब ओआरओपी 2 में या ओआरओपी 1 में आपको 4,000 का डिफरेंस इधर दिया गया, और यहीं पे ओआरओपी एक्स ग्रुप को, वहीं पे एक्स ग्रुप को आप देखेंगे तो इस साइड में इनको 2,000 रुपये का डिफरेंस दिया गया। यानी कि एक बार फर्स्ट ओआरओपी 1 में इनको 4,000 रुपये का फायदा डिफरेंस दिया गया पूरे सर्विस ईयर में, और यहाँ पे एक्स ग्रुप को 2,000 का फायदा दिया गया, लेकिन इस बार वो फायदा उल्टा कर दिया गया, एक्स ग्रुप को 4,000 का फायदा कर दिया गया और इसको वाई ग्रुप को 2,000 रुपये का फायदा कर दिया गया। इस प्रकार इनको देखते हैं इनको एरियर्स आ कहाँ से रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए ओआरओपी 2 टेबल और ओआरओपी 1 टेबल दोनों को डिफरेंस मिलाया जाए तो 15 साल से लेके 24 साल तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो किसी का डिफरेंस 116 से लेके, किसी का डिफरेंस 1663 तक, किसी का डिफरेंस 2325 तक, यानी मैक्सिमम डिफरेंस 2325 तक मिलता है, और वहीं पे कम से कम डिफरेंस 1900 रुपये तक मिलता है। इस प्रकार से अगर इनका एरियर निकाला जाए, इनका एरियर अगर ये सैनिक अगर अपना देख रहे हैं तो ये अपना एरियर निकालने के लिए डिफरेंस में मल्टीप्लाई बाई 52.26 से कर देंगे तो आपका एरियर नज़र आ जाएगा, आपका एरियर पता चल जाएगा कितना आपका एरियर्स मिल रहा है और कितना एरियर्स नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आगे जो 24 साल से जो आगे के सर्विस के हैं उनको लॉस हो रहा है, इनके लिए कोई एरियर नहीं मिलेगा। यहीं पे इनको देखें, यहाँ 26,000 और यहाँ पे 24,900, यहाँ पे 1,800 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनको पे किस हिसाब से मिलेगी, इसकी ओआरओपी 1 के हिसाब से मिलेगी या ओआरओपी 2 के हिसाब से मिलेगी। यानी विडंबना ये है कि ओआरओपी 2 में किस प्रकार ये संशोधन हुआ और किस प्रकार से क्या किया, इस प्रकार से ये पूर्व सैनिकों की विडंबना है कि जो मिल जाए वही उनके लिए अच्छा होगा और वही उनके लिए है, वो ऊपर वाले के तरस खा रहे हैं कैसे टेबल बनाने वालों ने किस प्रकार से टेबल बनाई और किस प्रकार से ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 में किस प्रकार से डिफरेंस किए। यहाँ पे 4,000 का डिफरेंस, यहाँ पे वाई ग्रुप में 4,000 का डिफरेंस, यहाँ पे एक्स ग्रुप में 2,000 का डिफरेंस देखने को मिला, और यहीं पे अगर ओआरओपी 2 टेबल में ये 2,000 का डिफरेंस इनमें कर दिया गया और ये 4,000 का डिफरेंस इन एक्स ग्रुप में कर दिया गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।
मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और इस प्रकार से जो भी डिफरेंट है, जो भी लोगों को अगर एरियर आता है तो वो ये ना समझें कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों को, जैसे 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल में कोई बहुत कम जो जेसीज होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, चाहे आते हैं, मैक्सिमम सब लोग आते हैं 26 साल के बाद ही आते हैं और उन्हीं की पे में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये 90% मान के चलिए कि 26 साल के ऊपर के ही सर्विस के सब लोग नायब सूबेदार रैंक के हैं, जिनके एरियर्स कुछ भी नहीं आ रहा, एक दो अगर इधर आ भी गया तो विडम्बना ही कही जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी अवश्य बताएं इस प्रकार का मैसेज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।